को लेकर अपने घर जाने लगे। जैसे ही घर में पहुंचने लगे, इतनी देर में तो घर में आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई, तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दुसा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो ज्येष्ठा, ये अपना घर है तुम्हारा, ससुराल चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे, इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया, दुसहा मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है, जम के बोलो, दरिद्रता रहती है, ज्येष्ठा रहती है। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर घूमने के लिए चले, चलो थोड़ी देर। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बहन से नहीं मिले, चलो जरा मिलने। भगवान ने कहा, चलो मिलके आते हैं। और जो भगवान मिलने के लिए गए, तो लक्ष्मी जी उनके लिए मिठाई का डब्बा ले गए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते, मिठाई ले गई और मिठाई ले जाकर जो दिया, दीदी ओ दीदी, दीदी बोली हाँ ले, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ ले। और जो मिठाई का डब्बा दिया, इतने में दरिद्रता ने खोल कर देखा तो उसमें मिठाई थी। दरिद्रता को क्रोध आ गया और दरिद्रता ने कहा, लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं कि मुझे प्रिय क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जानती हूँ तेरे को खट्टा और तीखा प्रिय है, मैं जानती हूँ तुझे खट्टा अच्छा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, तो फिर मिठाई क्यों लाई। तो लक्ष्मी जी बोली, मेरे को लगा कि हो सकता है शादी के बाद तू चेंज हो गई हो, बदल गई, इसलिए मैं तेरी मिठाई। मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया दरिद्रता, और दरिद्रता ने फेंका। भगवान नारायण देख रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा, चले भगवान विष्णु के, चलो चलिए। ये दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है, और लक्ष्मी को जम के तो बोलो मीठा है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है, आज भी दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, मिठाई रसगुल्ले नहीं, क्या टांगते हैं, नींबू मिर्ची। और मिठाई कहां रखी जाती है, घर के अंदर, तीखा और खट्टा बाहर और मिठाई अंदर, उसका केवल। कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची इसलिए टांगते हैं नजर नहीं लगे, नजर नहीं। लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहन का नियम है, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक ये प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन ये इनका काम ही है घूमना, दोनों बहनों का, दरिद्रता और लक्ष्मी का। जब इनको भूख लगती है तो दोनों घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो जिसके जैसी दोनों चलती हैं, तो इतने में दरिद्रता देख लेती है कि मेरा भोजन तो बाहर ही टंगा है, तो दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई के चक्कर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर, इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, चार चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें, चार। पहली झाड़ू, क्या झाड़ू, दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई, और चौथे नंबर पर आचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये चार चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार, रख दे, तो माँ उन भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये चार चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती महाराज, याद रखिए। उसके घर में फूट डल, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी, तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है, उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए।
वो बनवा के लिए ही हो, तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो जा और मंगवा लो खा। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांध कर। उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी, क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो तुम्हारी मर्जी, हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फिरी, हमें कही कही हमने तो देना था दे दे। इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी जाती है, मैदे की क्या बोलते हैं उसको, खाजा बोलते हैं, बड़े बड़े ले खट्टा तीखा नहीं देते। अब तो पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, और तीखा भी मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया बनी का। पितरों के जो देवता हैं, किन के देवता? पितरों के। पितरों के देवताओं का नाम है आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौए पर। काय पर बैठते हैं? कौए पर। और पितरों के देवता जब आर्यमा श्राद्ध पक्ष में जब घूमने के लिए निकलते हैं तो उनके भोजन में केवल एक मीठा ही दिया जाएगा। आज के जमाने में सब्जी बनने लगी साफ श्राद्धों में, नहीं तो केवल खीर और पूड़ी बनती थी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बनता था, ये बनाकर खूब खिलाते थे, मंगोड़ा बनता था। पर अब सब्जियां बनने लगी, अब तो लोग श्राद्ध में भी अचार परोस देते हैं, पर कितनी वर्जता है महाराज, कितनी वर्जता। श्राद्ध पक्ष में अगर राई से तुमने सब्जी को छोक दिया, काय से छोका है? राई से सब्जी को अगर छोक दिया और वो सब्जी और पूड़ी तुमने छत पर ले जाकर पटक दी, तुम कितना भी कौवा को बुलाना कौवे का बाप नहीं उसको भोग लगाए लगाई नहीं सकता। कितनी भी तुम सब्जी अगर राई से छुकी है और अगर राई बिना सब्जी है तो तुम पटक कर जाओगे कौवा आएगा और लेकर चलेगा, बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि तू आ और खा, तुमने पटका रुखा कर जाए मारे तुमने डाला। उसको हमारे यहाँ शास्त्र दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इतने में भगवान जाने लगे, लक्ष्मी जी ने कहा हमारी बहन से मिलने के लिए आए हो, कोई वर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं, सुन दरिद्रता देवी इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, पर पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता देवी बोली ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली लक्ष्मी, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है 7 दिनों में 1 दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी, और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु।
इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती। केवल जिनकी दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पर पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है, अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और सात मिर्ची रख दीजिए और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए, उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान। अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपल वहां नहीं लग सकता। दरिद्रता का शास्त्र कह रहा है भगवान जितने स्वरूप में विराज रहे, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये नारायण का मस्तक कहाँ है, इनका चरण कहाँ है, भगवान विष्णु बोले ये मेरे भगवान ये मेरे पिता हैं, और पिता के मन के बात को जानना, पिता के भाव को जानना, पिता और माता को पहचानना, ये बहुत कठिन बात है साहब। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जान सकता, जब तक जिंदा है तब तक लगता है ये मेरे हैं उसके हैं, ऐसा करा वैसा करा, माँ ने ऐसा करा, बाप ने ऐसा करा, परिवार ने ऐसा करा, कुटुंब, अरे भाई चले गए उसके बाद में फिर रोते हैं भोग लगाते हैं, जीते जी दंगम दंगा मरे पीछे पहुंचा दी गंगा, क्या मतलब। बड़ा कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ये की आंखें खोलो रे जैसी कृष्णा बोलो रे। तुम मन लगाकर चित्त लगाकर अपने मन की वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर भाव से तुम परमात्मा को रिझाओ तो सरी। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट रखती है, हमारे पिता हमको अपशब्द कहते हैं, हमारी माँ हमारी सास हमको आनाथ, बोलने दो उनको, बोलने का काम है बोलो। और याद रखना जितनी जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने प्रसन्न। आपको पहले कथा कही थी चार धाम मंदिर में, एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गल गल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला, तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले डॉक्टर को दिखाया, हाँ गुरुजी पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा भाई था कहाँ है, तो कि वो तो मर गया। भाभी है, हाँ कहाँ है, राजभवन में। एक काम कराकर चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना, भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताता है, गुरुओं का तो काम ही, गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। तो गुरु तो गुरु। महाराज भावसर जी यहाँ सागर के पास में गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं, और किसी को सांप डस लेता है ना तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो महाराज, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते लपक के उसके कान में, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता। अब गुरु तो गुरु की मर उनका मन, ये यही की बात है। तुम्हारे उज्जैन के पास में कौन सा गांव है बाबा, आगर के आगे एक गांव है कोई सा, वहां बिच्छू का जहर उतारा जाता है, किसी को बिच्छू काटा हो तो उसको ले जाए और ले गए, या कुत्ता काटा हो तो ले जाओ और ले गए, जैसे ही तो वैसे ही तुमने बस जाके किया, महाराज जिसको कुत्ता काट गया वो उठ के आएगा, बोलेगा चलेगा कुछ नहीं, ऐसा देगा धर के गाल पे और कहते जा अड़भंग।
गुरु गुरु अरभंग ये गुरु का दर्शन कर रहे हैं आप एक अरभंग होंगे। हम भले ना मिले हैं पर उनका स्वरूप कह रहा है कि अरभंग होंगे। जा कर ले मैं बैठ गया। जा गुरु है अरभंग सोचता नहीं गुरु केवल बता देता है जा ऐसा कर ले। वो गुरु गुरु होता है उसके जीवन में उसने जो भजन करा होता है उसका प्रताप की पुण्यता देता है वो कि तू कर गुरु जी ने कहा भाभी है हाँ उसके कमरे के बाहर जाकर चादर डाल के सो जा। गुरु जी उससे ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल हो जाएगा जा तू सो सो। एक नौकरानी ने देख लिया राजा तो भाभी के कमरे में जाके सोता बताओ भाई भाई मर गया तो इतना खोल्ला राजा। उसने दूसरी नौकरानी से कहा दूसरी तीसरी से कहा तीसरी चौथी से कहा पूरे नगर में बात हो गई कि राजा इतना कपटी इतना खोल्ला कि भाभी के कमरे में जाके सोता भाई मर गया तो पूरे नगर में बात हो गई लोग थूथू करने लगे और राजा का शरीर एकदम बढ़िया चकाचक हो गया एकदम बढ़िया। राजा नारियल लेके गुरु जी के पास गया गुरुदेव मैं ठीक हो गया। पर गुरु जी मैं ठीक हुआ कैसे ये तो बता दो। गुरु जी ने कहा अरे राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक के गिर रहे थे उन पाप को समाप्त करने के लिए मैंने चारों तरफ तेरी इतनी बुराई करवाई कि तेरा पाप कट गया और पाप कट गया तो तू ठीक हो गया। तो याद रखना तुम देखना एक बहू और एक सास बहू की उम्र 25 एक साल की रहे 30 साल की रहे तो कहीं उसका घुटना दुखे कहीं कमर दुखे कहीं पीठ दुखे कहीं सिर दुखे 24 घंटा बहू का कुछ ना कुछ दुखता ही रहे। और एक बूढ़ी सास 70 साल 60 साल की तो भी मंदिर दौड़ दौड़ के चली जाए चकाचक घूमती फिरे ना हाथ दुखे ना पांव दुखे तो कई बहुओं को लगे हमारी सास तो देखो गजब की साफ 70 साल अभी भी महाकाल की आरती करे अभी भी मंगला करे अभी भी दौड़ी जाए और अभी भी ऐसा कर ले अभी भी वैसा कर ले। तो कारण क्या है उसका केवल इतना सा कारण है कि बहू सास की इतनी बुराई करती है तो सास चकाचक होती चली जाती एकदम बड़ी चक चक चक। तो निवेदन है आपसे सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो निपट जाए तो मुझका तुम बुराई करना बंद करो जल्दी निपटेगी और तुम जितनी बुराई करती रहोगी वो उतनी सद उतनी तैयार उतनी अभी हमारे भाऊ साहब परिवार में देख लो इनकी बड़ी भाभी और एक उनकी बहू दोनों अब दोनों सजी पर डोकरी डोकरी ओल्ड इज गोल्ड। राधे ओल्ड भगवत हम समझ गए हम सवेरे गए थे तो हमने जान लिया कि ये दवाई का असर ये सत्संग का असर। जो दिया है कब पता अब हों दो बुराई।